134 के तहत बच्चों के प्राइवेट स्कूलों में दाखिलों का मामला अब अभिभावकों के लिए आए दिन सिरदर्द बनता जा रहा है। अभिभावक अपने बच्चों के एडमिशन के लिए प्राइवेट स्कूल और शिक्षा विभाग के चक्कर काटते हुए नजर आ रहे हैं। पिछले कई दिनों से अभिभावकों को सिर्फ शिक्षा विभाग के अधिकारियों द्वारा आश्वासन ही मिल रहे हैं, लेकिन उनकी समस्या का कोई भी समाधान नहीं हो रहा, जिसकी वजह से विद्यार्थियों की पढ़ाई के नुकसान के साथ साथ अभिभावकों को परेशानी भी झेलनी पड़ रही है, जिसके विरोध में आज सैकड़ों की तादाद में अभिभावक इकट्ठे होकर उपायुक्त कार्यालय पहुंचे और वहां पर उन्होंने सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की। अभिभावकों का कहना है कि शिक्षा विभाग उन्हें लंबे समय से झूठे आश्वासन दे रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि आज भी डीईओ और डीसी साहब ने उन्हें आश्वासन दिया है कि 31 मार्च तक बच्चों के एडमिशन हो सकते हैं, जिस पर परिजनों का कहना है कि जब तक उन्हें कोई पक्का आश्वासन नहीं मिलता तब तक वो इस धरने से नहीं उठेंगे। सर, हमारी मांग 16 दिसंबर से एक ही है कि हमारे बच्चों को एडमिशन दिया जाए। ये शिक्षा विभाग हमारे को झूठे लारे दे रहा है। 16 तारीख से आज 31 जनवरी हो गई है, ये हमारे बच्चों को एडमिशन नहीं दे रहे। ये कभी 10 दिन बढ़ा देते हैं, एक हफ़्ता बढ़ा देते हैं, ये दिन पे दिन बढ़ रहे हैं, पर हमारे बच्चों को एडमिशन नहीं मिल रहे हैं। और इनमें से कैंट्रो सिटी के जो पेरेंट्स हैं, इनमें से 20 से 25 लोगों ने टीसी भी कटवा रखी है। उनका बच्चा 1.5 महीने से घर के अंदर ही बैठा हुआ है, ना वो पढ़ रहा है, उसकी पढ़ाई का भी नुकसान हो रहा है और कुछ स्कूल बंद होने वाले हैं 31 मार्च को। अब डीसी ने कहा, डीओ साहब ने कहा था कि 31 मार्च तक भी एडमिशन हो सकते हैं, पर पॉसिबिलिटी नहीं है कि एडमिशन 100% होएंगे। तो शिक्षा विभाग या डीसी साहब की तरफ से कोई ठोस आश्वासन दिया गया? डीसी साहब ने भी अभी यही आश्वासन दिया कि एडमिशन होगा, बट हम ये पूछना चाह रहे हैं सारे पेरेंट्स कि कब होगा। कोई डेट तो होगी, कोई दिन तो होगा कि कब होगा एडमिशन, सिर्फ ये हमारे को आश्वासन दे रहे हैं होगा। तो आज हमारा ये फैसला है कि हम यहाँ से उठेंगे नहीं जब तक हमारे को एक पक्का आश्वासन ना मिले, कोई डेट ना मिले कि इस डेट को हमारे बच्चों के एडमिशन हो जाएंगे। हम 16 दिसंबर से धक्के खा रहे हैं जी। ये मेरा बेटा है साथ में, इसको सेंट जोसफ में मिला है 134 से एक हिसाब से, और धक्के से धक्के ये लारे लगाई जा रहे हैं हमें, कभी इधर कभी उधर कभी इधर। स्कूल जाते हैं, स्कूल वाले कहते हैं हमें पैसा नहीं मिला, वो नहीं मिला, ये नहीं मिला, हम करेंगे नहीं एडमिशन। उन्होंने हमारे पेपर ज़रूर ले लिए हैं और एडमिशन नहीं दे रहे स्कूल वाले। डीओ से भी बैठे हुई है कई बार? हाँ, कई बार उन्होंने भी कहा, अब ये कह रहे हैं 31 मार्च तक आपका एडमिशन हो सकता है। हो सकता है क्या है? तो कोई उम्मीद है एडमिशन होने के? आज एडमिशन करवा के जाएंगे हम सर।